नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी या आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति घुटने, जोड़ों, कमर, हड्डियों के दर्द की समस्या से परेशान है तो इसका इस्तेमाल करके वो व्यक्ति बिल्कुल दौड़ने लगेगा। जो व्यक्ति खाट के ऊपर दिन भर बैठा रहता है उस व्यक्ति को भी ये नुस्खा इतना फायदा करेगा कि वो उठकर चलने लगेगा बिल्कुल अपने आप। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिए। इस नुस्खे को मेरे बताए अनुसार से आप इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें इसे कैसे तैयार करना है, इसमें कौन कौन सा इन्ग्रीडियंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले लेते हैं एलोवेरा। एलोवेरा तो तासीर में ठंडा होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या में काफ़ी फायदा पहुंचाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये हमारे त्वचा को रूखापन से छुटकारा दिलाता है, यानी कि त्वचा को मॉइस्चराइजिंग रखता है, बिल्कुल मुलायम रखता है। इस एलोवेरा के पत्ते से एलोवेरा के जेल को निकाल कर हम इस बाउल में रख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर बाज़ार वाले एलोवेरा जो ट्यूब में आते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं और वो हमारे लिए बेहद ही नुकसानदायक साबित होता है। इसके बाद से अब हम इसमें ऐड करते हैं वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। आप सब जानते हैं कि अगर आपको पुरानी से पुरानी चोट हो या हड्डियों में मोच हो, दर्द हो, कैसी भी समस्या हो तो हल्दी पाउडर बहुत ही आसानी से ख़त्म करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम लगभग चुटकी भर इस हल्दी पाउडर को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद से आप क्या करें कि आप इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। दोस्तों ये जितना भी नुस्खा आप बना रहे हैं ये बेहद ही असरदार होगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये आपके पुराने से पुराने भयंकर से भयंकर हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, सभी दर्द की समस्या को बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का काम करता है। फ़ायदा आपको लगभग 99% ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले गुनगुने पानी की मदद से आपको जहाँ पर भी दर्द की समस्या है उसे कपड़े भिगो करके और वहाँ पर साफ़ कर ले। साफ़ करने के बाद से इसके पेस्ट को आपको उठाना है और हाथों से ही बहुत ही अच्छी तरह से लेप को लगा देना है। अगर आप इसके पेस्ट के लेप को लगाते हैं तो आप अपने दर्द की समस्या से छुटकारा जरूर पाएंगे। इसका इस्तेमाल आपको एक दिन में 3 बार करना है, सुबह में, दोपहर में और रात्रि में सोते वक्त। अगर आप इसका इस्तेमाल मात्र 3 से 4 दिन तक करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।